बैंक निफ्टी में आज हम छोटे गैप अप या छोटे गैप डाउन पे सेलिंग साइड की तरफ सेटअप को फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। कल इतने अच्छे मोमेंटम के बाद मार्केट दो रेंज के बीच में फंस के रह गया। यहाँ पर हमारे बायर्स भी आ गए होंगे और सेलर्स भी, तो हम यहाँ पर सेलर्स को टारगेट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ये सेलर्स को ही टारगेट क्यों करेंगे, चलिए इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ मैं। एक सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट नीचे से ऊपर गया। ओके, यहाँ पर अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि अपसाइड अब कोई स्टॉप लॉस नहीं बचा है। यहाँ पर अगर हम फिबोनाची लगाते हैं टॉप से लो तक, ओके, तो आप देख सकते हैं मार्केट 0.5 और 0.6 लेवल पे आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है अब, और यहीं से रिवर्सल प्लान करें, मतलब अब अपसाइड की तरफ ऐसे स्टॉप लॉस नहीं बचा है। और अगर हम यहाँ पर ये देखें कि मार्केट नीचे से अगर ऊपर की तरफ लगाए फिबोनाची, तो पता चलेगा कि मार्केट में अभी डाउनसाइड स्टॉप लॉस अवेलेबल है। मार्केट 0.5 या 6 पे रिट्रेसमेंट नहीं लिया है, तो हम डाउनसाइड की तरफ इसलिए ही प्लान बनाएंगे। ओके, चलिए मैं, और यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रखा है। ये देखिए, यहाँ पर 48,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है जहाँ पर मार्केट जाने की ट्राई कर सकता है। यहाँ पर हमारा काम खराब कब हो सकता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जब मार्केट ज़्यादा ही गैप अप हो जाए, ठीक है, यहाँ कहीं गैप अप ना हो के यहाँ कहीं गैप अप हो जाए, तो हम आगे आने वाले मोमेंटम को देख के ही अपना ट्रेड बनाएंगे। ओके ओके, एंड अगर ज़्यादा ही गैप डाउन हो जाए इस लेवल के नीचे, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा सेलर्स काम करना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी एक बाय मोमेंटम हमें बाइंग दिख सकती है। तो अगर इस लेवल में ही ओपनिंग होती है, तब हम सेलिंग साइड की तरफ जाएंगे। बट अगर यहाँ या यहाँ पर कहीं ओपनिंग होता है, तो हम थोड़ा फर्दर मोमेंटम को देख के, मार्केट के मोमेंटम को देख के फिर अपना ट्रेड बनाएंगे। एंड यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लीजिए, 48,000 का है एक रेजिस्टेंस, एंड दूसरा है 47,861 का, एंड एक सपोर्ट बना है 47,523 का। चलिए मैं आपको निफ्टी का बता देता हूँ। ओके, एक सेकेंड, हाँ, तो ये रहा निफ्टी का चार्ट हमारा। तो इसमें भी बिल्कुल सेम वही हुआ है, मार्केट यहाँ से गया है एंड दो रेंज के बीच में फंस के रह गया है। ओके, तो इसमें भी हम बिल्कुल सेम बनाएंगे, यहाँ पर भी हम सेलिंग की तरफ ही जाएंगे। ओके, यहाँ पर भी हम सेलिंग की तरफ ही जाएंगे, बट आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट एक ही साथ देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर और अच्छा मोमेंटम आया है। यहाँ पर भी अगर आप फिबोनाची लगाए, अगर मैं यहाँ पर भी आपको फिबोनाची लगा के दिखाऊँ, तो यहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि डाउनसाइड स्टॉप लॉस अवेलेबल है। ये एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से अगर हमने यहाँ लगाया, तो देखिए मार्केट ने यहाँ पर तो और ज़्यादा गैप छोड़ रखा है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम तब हो सकती है हमें, क्योंकि यहाँ पर एक एग्रेसिवली ही बाइंग आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा रिट्रेस में नहीं हुआ, बैंक निफ्टी में तो रिट्रेस भी हुआ है। ओके, तो अगर यहाँ पर इस लेवल या इस लेवल में थोड़ी गैप ओपनिंग होती है, तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड की तरफ जाएंगे। बट अगर ज़्यादा इसके ऊपर ओपनिंग होती है, तो भी हम सेलिंग की तरफ ही जाएंगे। निफ्टी में अगर इस लेवल के ऊपर ओपनिंग होती है, एक और आप ये लेवल देख लीजिए, 21,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेक होता है, तो बायर्स काम करने लगते हैं और उनके स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर इसके ब्रेकआउट करके मार्केट ओपनिंग देता है, तो अभी हम यहाँ पर सेलिंग की तरफ जाएंगे। बट अगर इसे ब्रेक डाउन कर देता है, तो यहाँ पर हम फर्दर मोमेंटम को देखे फिर अपना ट्रेड बनाएंगे। धन्यवाद।